बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजाल अरशद हूँ, आप कौन फूड्स कुकिंग चैनल देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों से एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि यूज़ किए हुए तेल को जो फ्राइंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है उसको साफ़ कैसे किया जाता है। हम एक दफ़ा अगर फ्राइंग कर लेते हैं तो ऑयल थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है, उसके अंदर फूड शामिल हो जाती है, मसालों का टेस्ट आ जाता है। लेट्स से कि आप एक दफ़ा एक तेल के अंदर मछली फ्राई करते हैं तो आप उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ फ्राई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मछली की और उसके मसालों की स्मेल आ चुकी है। आप जो भी फूड उसके अंदर फ्राई करेंगे तो उसके अंदर वो सेम टेस्ट आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल को कैसे दोबारा से साफ़ करके काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है कि उसके अंदर से स्मेल ना आए, उसके अंदर टेस्ट ना आए। वैसे भी हमारे खानों में फ्राइंग का अमल बहुत ज़्यादा शामिल होता है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अहम मसला है, इसको हल करना ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे पास एक लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा तेल है जिसको मैंने 3-4 दफ़ा पहले ही फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब 3 से 4 दफ़ा जो चीज़ें इसके अंदर फ्राई की हैं उन सारों की स्मेल इसके अंदर मौजूद है। हम कोई भी खाना बनाएंगे तो उसके अंदर वो सेम फ्लेवर आएगा क्योंकि वो मसाले इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये खाने के बहुत सारे ज़र्रात मिक्स हो चुके हैं, ये देखें। और सबसे अहम बात कि ये ऑयल ग्रीसी हो चुका है पकने के बाद, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म का पानी मसाले मिक्स होने के बाद ये थिक हो चुका है। तो यही अगर हम इसके अंदर पकी हुई फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस ऑयल को हम फ़िल्टर करेंगे। अब इसका ग्रीसीपन आप देखें कि ये ऑयल इस प्लेट के अंदर है और इसको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, मतलब इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इस तरह का ऑयल इस्तेमाल करना। तो इस ऑयल को हम फ़िल्टर करेंगे और दोबारा से काबिले इस्तेमाल बनाएंगे। 1 लीटर ऑयल को साफ़ करने के लिए आपने 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में आपने 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके लम्प्स इसमें ना रहें। जब कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो जाए तो इस तरह ये एक दूधिया सा पानी बन जाएगा, और जिस तेल को आपने साफ़ करना है ये दूधिया पानी आपने उसमें डाल देना है। ये डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करें ताकि ये कॉर्नफ्लोर पूरे तेल के साथ मिक्स हो जाए। और इस तेल को एक बर्तन में डाल लें, किसी कढ़ाई वगैरह में। जब ये तेल कढ़ाई में आ जाए तो इसके नीचे आग जला दें। इसके नीचे आग हल्की रखेंगे, इसको उबाला नहीं आना चाहिए, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मिक्स करते रहेंगे। को आप हल्की आंच पे हिलाते रहेंगे ना, तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद ये जो कॉर्नफ्लोर है ना ये इस तरह इसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। होगा ये कि जो पानी इसके अंदर हमने डाला है वो कॉर्नफ्लोर पकने के बाद उसके साथ इसके इस तरह बड़े बड़े चंक्स बनने शुरू हो जाएंगे। जब वो चंक्स बनेंगे तो ऑयल के अंदर मौजूद जितना भी फ्लेवर है और जितने भी इसके अंदर मसाले कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी इनके साथ मिक्स हो के ये कॉर्नफ्लोर सारा इकट्ठा हो जाएगा। जब कॉर्नफ्लोर इकट्ठा हो जाएगा तो उसका मतलब है कि आपका ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आपने वेट करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्की आंच पे इस तरह हिलाते हुए 10 मिनट 12 मिनट टोटल लगेंगे इस पर। तो आपने इसके अंदर सारा कॉर्नफ्लोर जब इकट्ठा हो जाए उतनी देर तक इसको पकाना है, आपका ऑयल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इधर गर्म किया है बिल्कुल हल्की आँच पर, जितना हल्का चूल्हा हो सके, दम की तरह इसको हिलाते हुए मैंने पकाया है इधर। अब ये सारी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर से निकल के इस कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स हो गई हैं। पानी कॉर्नफ्लोर के साथ इस तरह इसकी गुठलियाँ बनाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और तेल के अंदर पानी नहीं रहेगा, और साथ साथ इसके अंदर जो ग्रीसीनेस था, फूड के पार्टिकल्स, वो सारे अलग हो के पूरा फ्लेवर इसके अंदर से निकल के ये सारा इस कॉर्नफ्लोर में इकट्ठा हो जाएगा। और तेल अब देखें बिल्कुल ये सी थ्रू हो गया है, पहले इसके अंदर से हमें नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि ये तेल ग्रीसी था, इसके अंदर फूड थी। अब इसको हम 2-4 मिनट के लिए और इसी तरह पकाएंगे ताकि और ज़्यादा साफ़ हो जाए ये, फिर इसको निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखें जी, ऑयल बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है, इसके अंदर जो भी सारे पार्टिकल्स वगैरह हैं वो अलग हो गए हैं, और मज़े की बात है इसके अंदर से जो फ़्लेवर और स्मेल है ना वो निकलेगी। छान के आप इसको साफ़ तो कर सकते हैं लेकिन जो फ़्लेवर और स्मेल है वो नहीं निकलती। तो ये बिल्कुल नए जैसा हो गया है, हमने सिर्फ अब इसको एक दफ़ा फ़िल्टर करना है किसी बारीक जाली से। जब निकालेंगे तो ये नया बिल्कुल ऑयल आपके पास आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ था। अब ये एक बारीक जाली ली है मैंने, इस जाली के ऊपर ये जो तेल फिल्टर किया हुआ है ये डालेंगे, और नीचे देखें आप बिल्कुल साफ सुथरा बेहतरीन नए जैसा ऑयल है, ये देखें।
इसी तरह सारा तेल छान लेंगे और ये कॉर्नफ्लोर अलग कर लेंगे। अब ये देखिए जी, ऑयल मैंने फ़िल्टर कर लिया हुआ है। अब देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कोई एक ज़र्रा भी आपको इसके अंदर नहीं नज़र आएगा, सी थ्रू हो चुका है। पहले हमें इसके आर पार नज़र नहीं आ रहा था, तो अब इसकी वो ट्रांसपेरेंसी और इसका गाढ़ापन बिल्कुल फ्रेश ऑयल जैसा हो चुका है। आप इसको बेधड़क दोबारा से फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 दफ़ा ये इस्तेमाल हो चुका है पहले फ्राइंग के लिए, और ये देखें जी बिल्कुल साफ़ है। ये कप के अंदर देखें किस तरह बिल्कुल शफाफ तेल है। तो ये एक छोटी सी टिप थी किचन के लिए। बहुत सारे लोग इस डर से दोबारा से ऑयल इस्तेमाल नहीं करते कि वही सेम फ्लेवर इसके अंदर आएगा या सेहत के लिए नुकसानदेह, तो ऑयल को आप रीयूजेबल बना सकते हैं। बस आपका ऑयल जला हुआ नहीं होना चाहिए और स्मोकी नहीं होना चाहिए। तो ये दोबारा आप इसको साफ़ किया जा सकता है इसी सेम प्रोसीजर से। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी या टिप के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।